इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वक़्तदरा व अला व क़हरा ला मलजा व ला मुल्तजा मिन्हु इल्ला इलैह व ला महीद व ला मफर्रा अहमदुहु सुभानहु व अशकुरुहु व कद तअज़्ज़न बिज़ियादति लिमन शकर व अतूबु इलैह व अस्तग़फिरुहु तमाम किस्म की हम्द अल्लाह के लिए है जो ताकतवर, गालिब और साहिब इक्तदार है, जो बुलंद और गालिब है और उसकी पकड़ से बचने की कोई जगह और पनाहगाह नहीं मगर उसी की तरफ, और ना ही दूर भागने की कोई जगह है और ना फरार होने की कोई जगह है, यानी अल्लाह सुभान व तआला से कोई कहीं भाग के जा नहीं सकता मगर उसी की तरफ। मैं अल्लाह सुभान व तआला की हम्द बयान करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ, और उसने ऐलान फरमा दिया है कि जो शुक्र करेगा हम उसको ज्यादा देंगे। मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ और उसी से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। आज हम इंशाल्लाह कब्र और दज्जाल के फितने से हिफाजत की दुआएं पढ़ेंगे। इरशाद बारी ताला है, आग है जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी हुक्म होगा आले फिरौन को शदीद तरीन अजाब में दाखिल करो। इस आयत में फिरौन और आले फिरौन का अंजाम बताया जा रहा है। मूसा अलैहि सलाम जब बनी इसराइल को लेकर शहर से निकल गए तो फिरौन को उसकी खबर हुई, वो लश्कर तैयार करके उनके पीछे आया और मूसा अलैहि सलाम को बनी इसराइल के हमरा दरियाए कुलजुम की तरफ जाते हुए देखा। फिरौन ने भी अपने लश्करों के साथ उसका पीछा किया, यानी उनका पीछा किया। मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम के साथ समुन्दर में रास्ता बनने पर वहां से गुजर गए। फिरौन भी अपने लश्कर के साथ समुन्दर में घुस गया। जब समुद्र के ऐन दरमियान में पहुंचा तो समुद्र दोनों तरफ से आकर मिल गया और उनके अव्वल और आखिर सारे के सारे तमाम लोग डूब गए। सारे बनी इसराइल पार लग गए और सारे फिरौनी डूब गए। समुद्र में गर्क किए जाने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें घेरने वाले दो बदतरीन अजाबों में मुब्तला किया जिसका यहाँ पर जिक्र है। एक है क़यामत तक होने वाला अजाब जिसे अजाब कबर या अजाब बरज़ख कहा जाता है, जो मौत और आखिरत के दरमियानी वक्फे में उन्हें आग की सूरत में हो रहा है जिस पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और दूसरा अजाब क़यामत के दिन शुरू होगा। तो इस आयत में इन दोनों अजाबों का जिक्र हो रहा है। अन्नार यानी आग का अजाब है आले फिरौन के लिए। यौरदूना अलैहा गुदुवं व अशिया, जिस आग पर वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, ये हो गया एक अजाब जो इस वक्त हो रहा है। और दूसरा है वयौम तकूमु साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस वक्त इससे भी बड़ा अजाब होगा। कहा जाएगा अदखिलु आल फिरौन अशद्दल अजाब, आले फिरौन को शदीद तरीन अजाब में दाखिल करो। जन्नत का जिक्र जब हम पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में आता है जन्नतियों से कहा जाएगा उदखुलु फीहा बिसलाम, लेकिन यहाँ कहा गया अदखिलु आला फिरौन बिसलाम, यानी अल्लाह सुभान व तआला उनसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, और फरिश्ते फिर मार मार के धक्के दे के उनको आग की तरफ ले जाएंगे। तो अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुवं व अशिया, यानी फिरौन और उसकी आल को सुबह और शाम आग पर पेश किया जाता है। गुदुव कहते हैं दिन के पहले हिस्से को और अशी कहते हैं दिन के आखिरी हिस्से को। सुबह शाम से मुराद सिर्फ स्पेसिफिकली मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम नहीं होता, बल्कि ये मुहावरतन बोला जाता है हमेशा किसी काम के करते रहने के लिए। वो कहते हैं ना कि बस उसका तो सुबह शाम यही तरीका है, तो क्या उर्दू में भी किस मायने में इस्तेमाल होता है सुबह शाम? मुसलसल, यानी मुस्तकिल तौर पर वो तो यही करता है, क्योंकि सुबह करता है और फिर शाम होती है तो शाम, और सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, यानी कि वो इसी काम में लगा हुआ है। और अगर इसको सुबह और शाम के तौर पर भी लिया जाए लिटरल मीनिंग में, तो इसका मतलब ये कि सुबह के वक्त
उन्हें आग पर लाया जाता है और फिर शायद ब्रेक होती है और फिर दोबारा शाम को, और ये भी अजाब की शदीद किस्म है, क्योंकि जब तकलीफ से गुजर कर इंसान थोड़ा आराम करने लगता है और फिर उस तकलीफ में पड़ जाए, जैसे अगर किसी को कोविड हुआ है और थोड़े से दिन ठीक हुआ और दोबारा कोविड हो गया, तो ये भी तकलीफ की शदीद किस्म होती है। हदीस से भी पता चलता है कि हर बंदे को कब्र में सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मर जाता है तो सुबह शाम उसका ठिकाना उस पर पेश किया जाता है, अगर वो जन्नत वालों में से है तो उसे जन्नत वालों का मकाम दिखाया जाता है, और अगर वो दोजख वालों में से होता है तो दोजख वालों का मकाम उसे दिखाया जाता है, और उससे कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है जब तक कि अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन उठाकर इस जगह ना पहुंचा दे। अब ये जो है कि वो सुबह शाम उस पर पेश किए जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो सिर्फ दीवार के देखते हैं? नहीं, वहां उनको अजाब भी होता है, क्योंकि आयत का अगला हिस्सा बताता है वयौम तक़ूमु सातु अदखिलु आल फिरौन अशद्द अज़ाब, यानी पहले अजाब से भी ज्यादा शदीद अजाब की तरफ इनको ले जाओ। तो इससे यह भी पता चलता है कि कब्र का अजाब जहन्नम के अजाब से कम दर्जे का है, क्योंकि जहन्नम एक बहुत बड़ी चीज है और कब्र जो है वो एक छोटी जगह है। वयौम तक़ूमु सातु अदखिलु आल फिरौन अशद्द अज़ाब, और जिस दिन क़यामत कायम हो जाएगी तो अजाब के फरिश्तों से कहा जाएगा कि अब आले फिरौन को शदीद तरीन अजाब की तरफ अजाब में दाखिल कर दो। पहला अजाब जो है क़यामत के दिन बर्पा होने तक उनकी रूहों को दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो उस वक्त उनको क्या दिखाया गया था? आले फिरौन को दिखाया गया था कि वो आग में पेश किए जा रहे हैं, और जब तो वहां जाहिर है कि आसमानों पर रूहें ही हैं, और जब क़यामत का दिन होगा तो उनके जिस्मों और रूहों को यकजा करके जहन्नम में डाला जाएगा, यानी जिस्म और रूह दोनों पर सजा होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पानी में गए ना, जिस्म उनके पानी में घुल गए लेकिन रूह उनकी कब्ज कर ली गई, और ये अजाब वहां रूह पर पेश किया जा रहा है, और क़यामत के दिन का अजाब इसलिए भी ज्यादा सख्त होगा कि वो जिस्म और रूह दोनों पर होगा। और ये अजाब सिर्फ फिरौनियों के लिए खास नहीं है, बल्कि तमाम मुजरिमों को कब्र में डालने से अजाब होता है, डालने पर अजाब शुरू हो जाता है, और आखिरत का अजाब जो फैसला होने के बाद होगा वो तो बहुत ही सख्त होगा। इसके अलावा एक और मिसाल भी हमें कुरान मजीद से मिलती है, और वो है कौम नूह के बारे में जो पानी में डूबे थे। सूरत नूह में इरशाद बारी ताला है, और यकीनन उन्होंने कसीर तादाद को भटका दिया, यानी कौम फिरौन की अक्सरियत जो थी वो भटकी हुई थी, सॉरी कौम नूह की अक्सरियत भटकी हुई थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ बद्दुआ की, उन्होंने क्या कहा? वक़द अदल्लू कसीरा वला तज़िदु ज़ालिमीना इल्ला ज़लाला, कि तू अब गुमराहों को गुमराही इन जालिमों को गुमराही में ही ज्यादा कर, यानी अब उनकी हिदायत का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए अब उन पर अजाब आना ही चाहिए। तो अजाब आ गया, मिम्मा खतीआतिहिम उग्रिकु, अपनी ही खताओं की वजह से उनको गर्क कर दिया गया, वो डुबो दिए गए। फउदखिलू नारा, पानी का अजाब आया था इन पर भी, फिरौनियों पे भी पानी का अजाब आया था, इन पे भी पानी का अजाब आया, लेकिन पानी में जाने के बावजूद आग में सजा दी जा रही है। चूंकि ये गैब का मामला है, हमें तो सिर्फ कुरान की नस को, चूंकि हमारा ईमान है कि जो कह रही है सच कह रही है, और जो अहादीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सच बता रही है। अब ये होता कैसे है? अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर पानी के फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म दे कि यहाँ जितने भी इनके जिस्म के जर्रात हैं जमीन के, जिस हुआ क्या था जब वो डूबे थे, फिर वो पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा, उतने तक उनके जिस्म गल सड़ गए, जमीन की मट्टी में मिल गए या हवाओं में उड़ गए या जहां भी, तो वो जर्रात जहां भी हैं हमें लगता है कि बहुत बड़े जगह पर फैल गए हैं, लेकिन देखा जाए तो वो जमीन भी उनके लिए कब्र का एक गड़ा ही बन गई, और समुन्द्र भी कब्र का गड़ा ही बन गया उनके लिए। तो अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं, और वैसे भी आप देखें कि पानी किस चीज से मिलकर बना हुआ है? दो गैसेस से, H2O। आप देखिए, एक जलती है और दूसरी जलाती, हैरत की बात है ना कि है पानी लेकिन जिन चीजों से मिलकर जो वो बना है वो जलाने वाली है, जलने वाली। तो अल्लाह ताला, ये सारा अल्लाह का बनाया हुआ है ना,
वो चाहे तो पानी में जलने की सजा दे दे और वो चाहे तो किसी और तरह दे दे। जब दुनिया से इंसान चला जाता है तो फिर वो एक और दुनिया में होता है, वहां के मामले और हैं। हमें ये बातें हमारी जबान में समझाई गई और बाज़ औक़ात हम उनको फिर दुनिया से कंपेयर करने लगते हैं कि जी हमने कब्र खोदी, हमें तो कहीं आग नजर नहीं आई और हमें तो कहीं अजाब नजर नहीं आया, तो ये कैसी बातें आप करते हैं। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि मसलन एक शख्स आपके साथ ही सोया हुआ और वो नींद में चीखें मारने लगता है, तो आप उसको हिला के पूछते क्या है तुम्हें, क्या है तुम्हें, तो वो उठ कहता है कि मैंने देखा है कि मेरे पीछे एक सांप आ रहा था और मुझे काटने लगा था, या उसने काट लिया मसलन, तो मुझे उसकी पेन हो रही। अब वो जो साथ सोया हुआ है वो अगर ये कहे कि तुम बिल्कुल झूठ कहते हो, यहाँ तो कोई सांप नहीं था और कहाँ काटा है, तुम्हारा जिस्म भी ठीक है, लेकिन उसको वो जिस्म पर ही महसूस हो रहा था और वो खौफ में था, वो रो रहा था, उसको वो सब नजर आ रहा था लेकिन साथ लेटे हुए बंदे को नजर नहीं आ रहा था कुछ भी, तो क्या आप उसको झूठा करार देंगे कि नहीं तुम झूठ कहते हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसकी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कुछ तुम बयान कर रहे हो। नहीं, वो एक और दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा था जहां इसकी रूह थी, यहाँ नहीं, बेड के ऊपर नहीं एग्जिस्ट, मादी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इट वॉज देयर समवेयर जहां ये इसकी रूह थी या जहां भी ये था, और ये सब कुछ देख रहा था और महसूस कर रहा था और भाग रहा था और दर्द से रो रहा था, तो ये सब उसके लिए एक हकीकत थी। लेकिन हो कैसे रहा था, आज तक कोई गुत्थी सुलझा सका है ये ख्वाबों में जो कुछ नजर आता है ये क्या होता है? इतना हैरान कौन है, ये इतना हैरान कौन है? और बाज़ औक़ात आइंदा होने वाली बात इंसान को ऐसे नजर आ रही होती है जैसे वो हो चुकी हो, और बाज़ औक़ात इंसान ने ख्वाब देखा होता है और फिर बाद में देखता है तो है ये कहाँ देखा था मैंने, फिर उसको याद आता है कि मैंने हकीकत में नहीं ख्वाब में देखा था और अब वही चीज मुझे हकीकत में भी नजर आ रही है। तो ये जो ख्वाब है ना, ये भी अल्लाह ताला के वजूद पर दलील है और अल्लाह ताला की कुदरत पर और अल्लाह के खालिक होने पर। तो बहरहाल आले फिरौन को तो आग के अजाब में डाला गया गर्क करके, यहाँ कौम नूह के साथ भी यही हुआ। फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, फिर उन्होंने अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार ना पाया। वहां कौन सुनता है, कौन मदद कर सकता है, करना भी कोई चाहे? अब अगर आप मसलन ख्वाब में सोए हुए बंदे को ये कहे कि वो जो ख्वाब तुमने देखा था मैं मारती हूँ उस सांप को, कहाँ से मारेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, तो जिस पर बीते वही जाने। तो इन दोनों आयात से ये बात पता चलती है कि अजाब कब्र जो है या क्यामत के आने से पहले का अजाब बरहक है। उसे आप अजाब कब्र कहें, उसे आप अजाब बरजख कहें, उसे आप कुछ भी नाम दें, लेकिन वो बरहक है। हदीस में इसको अजाब कब्र बताया गया है। हजरत आयशा से रिवायत है एक यहूदी औरत उनके पास आई, उसने अजाब कब्र का जिक्र किया और कहा अल्लाह आपको अजाब कब्र से महफूज रखे। इस पर हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब कब्र के बारे में दरियाफ्त किया। आपने कहा हाँ अजाब कब्र बरहक है। हजरत आयशा कहती हैं फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी हो और उसमें अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह ना मांगी हो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे हर नमाज के बाद, और वो दुआ सबको आती होगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम आखिर तक। इंशाल्लाह आज यही दुआ है हमारी, आगे जाके हम उसकी वजाहत करेंगे। तो बजरिया वही कब्र की आजमाइश के हक होने की खबर मिलती है इंसान को, इसलिए हमारा ईमान है वही पर और हम इसको हक मानते हैं, हक ही जानते हैं। अस्मा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए तो आपने उस आजमाइश का जिक्र फरमाया जिसमें हर शख्स को कब्र के अंदर मुब्तला होना पड़ेगा। जब आपने ये जिक्र किया कि हर शख्स का कब्र में इम्तिहान होगा तो मुसलमान रोने लगे, आहोबुका करने लगे, हत्ता कि उनके रोने की आवाजों से मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ ना सकी कि आप क्या फरमा रहे, क्योंकि माइक स्पीकर वगैरह तो नहीं होते थे। आप बात कर रहे थे और सहाबा ने रोना शुरू कर दिया और रोने की आवाजों में आपकी आवाज दब गई। जब उनकी आहो बका रुक गई तो मैंने एक करीबी शख्स से कहा कि अल्लाह तेरे लिए बरकत फरमाए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में क्या फरमाया था? उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे वही की गई है कि कब्रों में तुम्हारी फितने दज्जाल जैसी आजमाइश होगी, यानी एक सख्त टेस्ट होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे
तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें कब्र का अजाब सुना दे। यानी जब मुर्दे को दफन करते हैं और फरिश्ते उसके साथ बात कर रहे होते हैं और उसका टेस्ट ले रहे होते हैं, तो वो बातें जो हैं वो तुम्हें सुनवा दी जाती। या ये कि फिर उसके बाद अगर उसको कोई सजा होती है और वो रोना धोना करता है तो रोना धोना सुनवा दिया जाता। इब्न मसूद कहते हैं, बेशक मुर्दों को उनके कब्रों में अजाब दिया जाता है, यहाँ तक कि जानवर उनकी आवाजें सुनते हैं। यानी इंसान, वो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि इंसान नहीं सुन सकते लेकिन और मखलूकात सुन सकती हैं। एक और आयत भी हमें अजाब कब्र के बारे में इशारा देती है, ये सूरत अल-अनाम की आयत है 93। और अगर आप उस वक्त देख सकते जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में घिरे होते हैं, जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में घिरे हुए होते हैं और फरिश्ते अपने हाथों को फैलाए हुए होते हैं, हम तो नहीं देखते लेकिन कुरान बताता है कि मरने वाले के पास फरिश्ते बैठे होते हैं और अपने हाथ आगे करते हैं, कहते हैं निकालो अपनी जानें, आज तुम रुसवाई के अजाब से सजा दिए जाओगी इस वजह से कि तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे, कब्र करते थे, यानी उसकी आयात पर झुकते नहीं थे या उसको उनको मानते नहीं थे। यहाँ बुनियादी तौर पर कुफर करने वालों, तकब्बुर करने वालों, अल्लाह की बात ना मानने वालों की बात की जा रही है कि जब उनकी मौत का वक्त आता है तो उस वक्त सख्त तरीन तकलीफ उनको होती है, सकरात मौत में होते हैं और फरिश्ते उनको मार रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं और उनको धमका रहे होते हैं कि अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, सख्त जलील किया जाएगा। अब एक तो यह है कि जब मौत का वक्त होता है उस वक्त भी सजा हो रही होती है, लेकिन ये आज कौन सा है, मरने का दिन है, यानी मरने के बाद से तुम्हारी सजा शुरू हो जाएगी, ये मतलब है। तो वलौ तरा इज़-ज़ालिमूना फी ग़मरातिल मौत, ग़मरातिल मौत का मतलब है मौत की सख्तियां, सकरात, मुश्किलात। ग़मरा का मतलब होता है शिद्दत, सख्ती। असल में ग़मरा कहते हैं किसी चीज को जो ढांप लेती है, ग़ामिर उस पानी को कहते हैं जो हर तरह के असरात को छुपाकर ज़ायल कर दे। यानी ज्यादा पानी होता है तो उसके अंदर जो बर्तन में कुछ मैल कुचैल होती है वो फिर नजर नहीं आती, तो यहां से फिर ये शिद्दतों और तकलीफों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ऐ इंसान, अगर तुम देखो उन लोगों को जो मौत की गशियों में होते हैं और उनके ऊपर जो तकलीफ गुजर रही होती है, तो देख के इंसान का जिस्म लरज जाए। वल मलाइका तो बासितु अयदीहिम, उस वक्त फरिश्ते अपने हाथ लंबे किए हुए होते हैं, यानी फरिश्ते जो हैं उस वक्त गुस्से में होते हैं और गुस्से में बोल रहे होते हैं और अल्लाह के अजाब की खबर सुना रहे होते हैं उनको। सूरत अनफाल में आता है, वलौ तरा इज यतवफ्फल्लज़ीना कफरुल मलाइकतु यद्रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, और काश आप देखें जबकि फरिश्ते उन लोगों को फौत करते हैं जिन्होंने कुफर किया, वो उनके चेहरों और पीठों पे मारते हैं। हमें तो नजर नहीं आता मरने वाले के ऊपर जो मार पड़ रही होती, लेकिन कुरान बताता है कि ऐसे जालिमों की मौत जब आती है तो फरिश्ते उनको मारते हैं, यानी गुस्सा भी करते हैं, मारते भी हैं और बुरे अजाब की खबर भी देते हैं उनको, और कहते डांट के कहते हैं अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जाने, यानी रूह को अपने जिस्म से निकाल के हमारे हवाले करो। अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें बुरी तरह रुसवा किया जाएगा। और यहाँ अल-यौम से मुराद फिर कब्र के अजाब की तरफ इशारा है, यानी आज तुम्हारे अजाब कब्र की इब्तिदा हो जाएगी। तो उलमा ये कहते हैं कि इस आयत में वाज़े तौर पर अजाब कब्र की तरफ इशारा है, क्योंकि क़यामत तो जब अल्लाह चाहेगा कायम होगी, तो दरमियान का जो वक्फा है दुनिया और क़यामत के दरमियान, ये बरज़ख का जो वक्फा है, इसमें इंसान जहां पर भी हो उसकी उसका जिस्म, उसकी रूह, उसके ऊपर अजाब होता है। क्यों यहाँ उनको सजा दी गई? बिमा कुंतुम तकुलूना अलल्लाहि गैरल हक, क्योंकि तुम अल्लाह के बारे में नाहक बातें कहते थे और उसकी आयात से तुम तकब्बुर करते थे, यानी अल्लाह पे झूठ बांधते थे। अल्लाह ताला किसकी सही पहचान ही नहीं थी, अल्लाह ताला पर एतराजात किया करते थे। इस बात से बहुत डरना चाहिए, ये काबिले मुआवजा चीज है कि इंसान अल्लाह ताला के किसी फैसले को जालिमाना फैसला कहे, नऊज़ु बिल्लाह, या अल्लाह ताला के बारे में नाहक बात करे कि अल्लाह ने बेटा बना लिया या अल्लाह का कोई अल्लाह ने कोई शरीक बना लिया अपना, ऐसी कोई भी चीज नहीं। और दूसरा ये कि आयात के मुकाबले में अपनी अकल, अपनी राय, अपनी लॉजिक को पेश करना और आयात को हकीर समझना और अहकामात को मुसीबत समझना,
अल्लाह ताला की बात अगर हमारी समझ में नहीं आती तो तकबर तो ना करें ना कि हमारी समझ बहुत बड़ी है और हम जो कह रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। यानी अपनी आरा को आयात के साथ टकराए मत, यानी आयात को इस तरह मत सोचे कि ये बात यूं कही गई है और आज के दौर में नहीं हो सकती और ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ ना कहें। तो इस आयत से पता चलता है कि अजाब कब्र बरहक है। काफिर को जब अजाब की खुशखबरी दी जाती है तो वो अल्लाह ताला से मुलाकात नहीं करना चाहता। और हदीस में आता है कि उस वक्त कोई चीज उसके दिल में इससे ज्यादा नागवार नहीं होती जो उसके आगे होती है, और अल्लाह से जा मिलने को नापसंद करता है तो अल्लाह ताला भी उससे नहीं मिलना चाहता। तीसरी आयत जो हमें बरजख की जिंदगी के बारे में खबर देती है कुरान मजीद में, वो सूरतुल बकरा की आयत है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। ये आयत शहदाए बदर के बारे में नाजिल हुई थी, उनकी फजीलत बयान की गई कि उन्होंने किस तरह अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दी, अब वो अल्लाह के यहाँ रिस्क पा रहे हैं। और ये बरज़खी जिंदगी की तरफ इशारा है। यहाँ अहया उनसे मुराद दुनिया की जिंदगी नहीं है, अगर दुनिया में वो जिंदा होते तो फिर कब्र में ना डाले जाते। इसे लिखा वाला किल्ला तशोरों, और वैसे भी असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है ना, लेकिन वो इस दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ है, क्योंकि तो जो लोग दुनिया आखिरत को नहीं मानते उनके नजदीक तो बस इंसान मरा और उसका जिस्म खत्म मट्टी बना और किस्सा तमाम हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि मरने के बाद इंसान मर नहीं जाता बल्कि उसकी रूह जिस्म से निकल के अलग होके एक और मकाम पे चली जाती है और वहां वो शऊर रखती है। तो वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, अल्लाह की राह में मरने वालों को मुर्दा न कहो। जहां कुफार का अंजाम बताया गया कि उनको मरने के बाद सजा मिलती है, वहां अल्लाह के रास्ते में जान देने वालों की का अच्छा अंजाम भी बताया गया कि किस तरह उनके लिए खुशखबरी है और किस तरह उनको जिंदगी मिलती है। तो यहाँ पर शहीद को मुर्दा ना कहा जाए ये बात कही जा रही है। तो अगर कोई कहे कि मुर्दा क्यों ना कहें, वो तो मर चुके हैं, तो मतलब यह है कि इस सेंस में तो मर चुके हैं कि उनका जिस्म और रूह अलग हो चुके हैं, उनके जिस्म से रूह निकल चुकी है, क्योंकि अगर वो रूह जिस्म के अंदर होती तो फिर वो मट्टी के अंदर नहीं दबाए जा सकते थे। जब तक रूह जिस्म के अंदर होती है, चाहे कितने ही दिन लग जाए इंसान को अस्पताल में या घर में डेथ बेड पर, उसको उठा के कब्र में कोई नहीं डाल के आता जब तक कि पूरी निकल नहीं जाती। लेकिन रूह का निकलना जिस्मानी मौत है, अदरवाइज रूह के ऊपर डेथ नहीं आती। एक रूह जो एक दफा पैदा हो गई है ना, बस वो पैदा ही हो गई है, अब उसने मरना नहीं है। रूह नहीं मरती, रूह इस दुनिया में आने से पहले भी जिंदा थी। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से जब अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को निकाला तो वो रूहें उस वक्त पैदा हो चुकी थी और उनको खास जगह पर रखा गया, और दुनिया में बारी बारी अल्लाह ताला इंसानों को जिस्म देता और उसमें वो रूहें आती जा रही हैं, और फिर जब यहाँ अपना टाइम पूरा कर लेंगे तो फिर यहाँ से जिस्म और रूह अलग हो जाएगी। जिस्म मट्टी में चला जाएगा क्योंकि ये बनता भी मट्टी से ही है, यानी खुराक हमारी जमीन से आती है, और रूह जो है वो जहां से आती है वहीं वापस लौट जाएगी। अच्छे लोगों की रूहें, अच्छी रूहों को अच्छी जगह रखा जाएगा और बुरी रूहों को कैदखाने में रखा जाएगा, कुछ इल्लियीन में होगी और कुछ सिज्जीन में होगी। बल अहया उम्वला किल्ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। यानी बरजख की जिंदगी की कैफियत को हम नहीं समझते, समझ ही नहीं सकते, और वहां इंसान को उस तरह हर चीज नहीं चाहिए होती जैसे दुनिया में चाहिए। आप देखें ना, जब हम जिस्म और रूह के साथ जिंदा हैं तो फिर हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। आप कभी अपने घर के सिर्फ किचन के अंदर रखी हुई चीजों को गिने, काउंट करें, सिर्फ काउंट करें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी चीजें मेरी जरूरत की हैं। क्योंकि अगर आपको ये कहा जाए ना, इनमें से ये चीज निकाल दो, फेंक दो या दे दो किसी को, तो आप क्या करेंगे? ये तो मेरी जरूरत की, ये भी मेरे काम है। एक छोटी सी चम्मच भी आप नहीं फेंकते कि नहीं, ये किसी बच्ची की भी जरूरत, इसकी भी जरूरत होती है अलग, बल्कि जरूरत से ज्यादा भी रखते हैं। फिर अपने बेडरूम में चले जाइए, अपने वॉशरूम में चले जाइए, हर जगह आपकी जरूरत की चीजें भरी हुई हैं। तो जब रूह जिस्म के अंदर होती है ना, तो बेशुमार जरूरतें होती हैं उसकी, लेकिन जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो उसकी जरूरतें खत्म हो जाती हैं। ना जिस्म की फिर जरूरत रहती है, ना रूह को जरूरत रहती है। रूह अपने अंजाम को पहुंच जाती है,
जहां या उसके लिए रौहुन व रैहान व जन्नत व नईम है, या फिर उसके लिए आग का गड़ा है। तो यहाँ कब्र की नेमतों का जिक्र किया गया, यानी बरज़ख की जिंदगी की नेमतों का जिक्र किया गया कि वहां आराम भी है और अजाब भी है। और फिर ये कि एक बड़ी अहम बात इस आयत से पता चलती है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में अपनी कोई महबूब चीज दे देता है उसका अजर भी उतना ही बड़ा होता है, जब कोई प्यारी चीज इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है। और हमें अपनी प्यारी चीजों में सबसे ज्यादा प्यारी चीज अपनी जान है, वो हम नहीं दे सकते किसी, लेकिन अल्लाह की खातिर बड़े लोगों ने अपनी जान भी दी है, ये कोई मामूली काम नहीं होता। तो उनके लिए फिर उतना ही बड़ा अजर सुनाया गया कि उनको, क्योंकि मुर्दा लफ्ज जो है ना एक नेगेटिव वर्ड है ना, एक तकलीफ दे, मुर्दा ही ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन जिंदगी तुम्हारे वाली जिंदगी नहीं, वो एक और जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी। वह इन्नत और वो दारुल है, वो क्या कहते हैं, इन्न दारुल आखिरत लहियल हयावान, आखिरत का घर ही दरअसल असल जिंदगी है। जहां तक शहीद की जिंदगी का ताल्लुक है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे भाई उहद में शहीद कर दिए गए तो अल्लाह ने उनकी रूहों को सब्ज रंग के परिंदों के पेटों में कर दिया जो जन्नत की नहरों पर आते हैं, यानी उनको वहां एक और तरह के जिस्म दे दिए, वहां के फल खाते हैं, फिर सोने की कंदीलों में लौट जाते हैं जो अर्श के साए में लटक रही हैं, वहां तक पहुंच गए। जब उन्होंने वहां के खाने पीने और राहत और आराम के मजे देखे तो कहा, कौन है जो हमारा ये पैगाम हमारे भाइयों तक पहुंचा दे कि हम जन्नत में जिंदा हैं, हमें रिस्क दिया जाता है ताकि वो जिहाद से बेरगबत ना हो जाएं और लड़ाई में बुजदिली ना दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारा ये पैगाम मैं उन तक पहुंचा दूंगा। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी सूरह अल-बकरा की, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे गए उनके बारे में ये ख्याल ना कीजिए, हरगिज ये ख्याल ना कीजिए कि मुर्दा है, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि शहीद के साथ स्पेशल मामला किया जाता है। तो बहरहाल मरने के बाद हर शख्स, यानी कोई मुजरिम की हैसियत से दुनिया से जाता है और कोई मोहसिन की हैसियत से, और जैसा कोई मामला करता है वैसा ही उसको फिर वैसा ही उसके साथ मामला किया जाता है, वैसा ही उसको ट्रीट किया जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर शख्स को सोचना चाहिए कि वो अपने कल के लिए क्या लेके जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स को ये फिक्र होनी चाहिए कि कल के लिए क्या तैयार किया, आखिरत के लिए क्या तैयार किया। इसलिए अपनी नीयत को बार बार खालिस करने की जरूरत रहती है। बहरहाल कब्र की जिंदगी एक हकीकी जिंदगी है, हकीकत पर मबनी, और कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, यानी आखिरत का सफर मौत के बाद कब्र से शुरू होता है, पहला मरहला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर वहां निजात मिल गई उसके बाद के सारे मराहल आसान हो जाएंगे, और अगर वहां निजात ना मिली तो उसके बाद के सारे मरहले मुश्किल होंगे, अगले जितने भी स्टेप्स हैं जन्नत तक पहुंचने के। फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने जितने भी मंजर देखे हैं कब्र का मंजर उन सबसे हौलनाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र को एक मरतबा भेजा जाता है, अगर कोई शख्स इससे बच सकता तो सआद बिन मुआज़ होते। अब देखें कि हम दुनिया में आने से पहले हमारी रूह कहाँ थी हमें कुछ पता नहीं, ऐसी जगह रखा गया जहाँ हमें शऊर नहीं था, फिर माँ के पेट में आए हमें कुछ शऊर नहीं था, छोटी सी जगह कब्र से भी तंग, लेकिन चूंकि शऊर नहीं था तो इसलिए याद ही कुछ नहीं कि वहां क्या किया, कोई तंगी याद नहीं, शऊर नहीं था। लेकिन एक दफा जब हम दुनिया में आ गए तो शऊर का सफर शुरू हो गया, और फिर दुनिया की रंगारंगी और जेब जीनत और बहुत मजे की चीजें, इसमें हमारा दिल लग गया। यानी पहले तो अंधेरे से रोशनी में आए थे ना, अब इस प्लैनेट से जब जमीन के अंदर जाएंगे तो अंधेरा होगा। तकलीफ के बाद नेमत देखे तो इंसान खुश होता है, लेकिन नेमत के बाद तकलीफ देखे बहुत बड़ी तकलीफ होती है दुनिया की रौनकें। इसीलिए जो लोग दुनिया में ज्यादा दिल लगा बैठते हैं और दुनिया की मोहब्बत में ज्यादा गिरफ्तार होते हैं और हर वक्त सिर्फ ख्वाहिशात के पीछे दौड़ रहे होते हैं कि बस एंजॉय कर ले किसी तरह, और एंजॉय करने की चीजों को इतना ज्यादा फोकस में रखते हैं और इतनी अहमियत देते हैं
کہ اپنی جان مال ہر چیز اس پہ قربان کیے رکھتے ہیں، چاہے وہ کھانے پہننے کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو۔ سب سے زیادہ ہماری جو توجہ ہوتی ہے یا شوق ہے ہمارے، وہ دنیا کی زیب و زینت ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ، زیادہ فوکس اس کی طرف ہوتا ہے۔ اب خود سوچیں کہ جب ایک انسان اس رونق اور زیب و زینت کو چھوڑ کے جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی کو امریکہ سے نکال کے پاکستان کی کسی دور دراز گاؤں میں بھیج دیں، تو اس کے لیے رہنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی یہ رونق چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کو مشکل نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے ان رونقوں سے دل نہیں لگایا ہوتا۔ تو جتنا آپ دنیا میں زیادہ گھستے چلے جائیں گے اور دنیا کی رونقوں اور زینتوں میں زیادہ وقت لگائیں گے، قبر اتنی ہی وحشت ناک لگے گی، اتنا ہی زیادہ پریشانی کا معاملہ ہوگا، کیونکہ آپ سب کچھ چھوڑا ہے، اپنے دوست چھوڑا ہے، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز، سب چھوڑا ہے دنیا میں، مال و متاع چھوڑا ہے، گرم نرم بستر چھوڑا ہے، کپڑے چھوڑا ہے، مزے مزے کے کھانے پینے، ہر چیز چھوڑا ہے۔ اب یہاں تو وہ سب کچھ نہیں ہے، وہاں تو وہی ملے گا جو عمل ساتھ لے کر آئے، عمل کی کرنسی ساتھ ہوگی، اس کے مطابق جو آپ ڈیزرو کرتے ہوں گے وہی مل جائے گا۔ تو بہرحال قبر اندھیری جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، ٹوٹل ڈارکنیس ہے، اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا، یعنی میری دعا کی وجہ سے۔ نماز کی ترجمہ صلات کا لفظ ہے، لیکن یہ دعا کے معنوں میں استعمال ہے، یعنی آپ دعا کرتے تھے، اور جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ عذاب قبر سے پناہ نہ مانگیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کی عقل کو لوٹایا جاتا، ہوش و حواس بحال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو نا کہ کسی اندھیری کوٹھڑی میں آپ ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کہاں ہیں، لیکن اگر آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ اٹھ کے دیکھیں تو وہ پھر تکلیف دہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا، عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں بالکل آج کی طرح سننے بولنے دیکھنے والے ہو گئے قبر کے اندر۔ اس لیے ہم دیکھتے کہ صحابہ قبر سے بہت خوف کھاتے تھے، خاص طور پر حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس رکتے تو بہت روتے تھے۔ ہم بھی بعض وقت قبرستان جاتے ہیں، یہ گزرتے ہیں، لیکن ہمارے تو کوئی آنسو نہیں آتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، جو جاہل انسان ہوتا ہے یا بے شعور انسان ہوتا ہے اس کو تو ڈر نہیں لگتا، اس کے اندر وہ خشیت نہیں ہوتی۔ صحابہ میں سے عمر بن العاص کہتے ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو، یعنی کوئی عورت نہ جائے، نہ آگ ہو، کیونکہ وہاں وہ لوگ کینڈلز یعنی آگ لے کے جاتے تھے، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ مورننگ کے لیے کینڈل جلائی جاتی ہیں۔ جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا تھا، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے کہ میرے آل اولاد ہیں اوپر باہر مجھے انس رہے، اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا، میں تو ایک کمزور عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے قبر کے اندر جما کے رکھے گا، وہ جواب دے پائیں گی۔ جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی اس کے لیے آگے آسانی ہوگی۔ اب قبر میں دفنانے کے بعد تین سوال پوچھے جائیں گے، اس پر ایک کتاب بھی ہے قبر کے تین سوال، اور اس میں میں نے ساری یہ احادیث اکٹھی کروا دی تھی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر انسان سارا کچھ دیکھ لے پڑھ لے اور اس کو ریفرنس بھی سارے مل جائیں۔ اسی طرح مردہ جو ہے وہ قبر میں باہر والوں کی پاؤں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں تھی، لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو، گڑھا کھود کے پھر سائڈ سے کھودا جاتا ہے،
तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए, गोया हमारे सरों पे परिंदे बैठे हो, इतनी चुप हो गई सब। आपके हाथ में छड़ी थी, आप से जमीन को रेंद रहे थे, आपने सर उठाया और फरमाया अल्लाह के अजाब से, अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगो, कब्र के अजाब की अमान मांगो। आपने दो या तीन बार यही बात फरमाई और फरमाया जब लोग वापस जाते हैं यानी मैयत को दफना कर, तो मैयत उनके कदमों की आहट सुन रही होती है, जबकि उससे पूछा जा रहा होता है कि ऐ फलां तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। यानी मरने जब कब्र में लिटा के सब कब्र बंद कर दी जाती तो फरिश्ते आके उठा के बिठाते हैं। अब हो सकता है कि आप पूछें कि भाई वहां तो मट्टी उसके ऊपर तक होती है, तो वो बैठता कहाँ है, उसकी जगह कहाँ है, ये तो अल्लाह ही जानता है ना कि उसकी कैफियत क्या होगी। हम कैफियत नहीं बता सकते, लेकिन चूंकि ये बात अहादीस में बयान हुई है इसलिए हमारा इस पर ईमान है। तो वो जवाब देता है जो मोमिन होता है, रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो कहते हैं तुझे कैसे इल्म हुआ, वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की, ये किताब कब्र में भी फायदा देगी। अभी तालीमुल कुरान शुरू हो रहा है ना, तो लोग पूछते हैं क्या फायदा होगा इसको पढ़ के, तो कब्र एक हकीकत है और यकीनी चीज है जहां हमने जाना, तो ये किताब वहां भी फायदा देगी। फिर आसमान से मुनादी करने वाला कहता है मेरे बंदे ने सच कहा, इसे जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसको जन्नत का लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। तो वहां जन्नत की तरफ से हवाएं राहतें और खुशबुएं आने लगती हैं और उसकी कब्र को इंतहाई वसी कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है अब तुम सो जाओ जैसे एक दुल्हन सो जाती है, यानी बहुत आला दर्जे की ट्रीटमेंट की जाती है उसके साथ, क्योंकि उसने सारे जवाब सही दिए, उस आजमाइश और फितने से बाहर निकला, टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद काफिर का और मुनाफिक का जिक्र किया गया, उससे भी ये सवाल होते हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता, वो कहता हा हा ला अदरी मुझे नहीं पता, और फिर वो इन तीनों सवालों का जवाब ही देता है। तो कहा जाता है इसने झूठ कहा, इसके लिए आग का बिस्तर बिछाओ, आग का लिबास पहनाओ, और इसके लिए दोजख के लिए तरफ दरवाजा खोल दो। फिर उसे सख्त तपिश और गर्म हवा आने लगती है, कब्र तंग कर दी जाती है, उसकी एक पसलियां एक तरफ से दूसरी तरफ घुस जाती है। फिर एक अंधा गुंगा फरिश्ता उसे मुकर्रर कर दिया जाता है जिसके पास लोहे का भारी गुर्ज होता है, अगर वो पहाड़ पे भी मार दिया जाए तो पहाड़ भी मट्टी मट्टी हो जाए। फिर वो उसके साथ उसको ऐसी चोट मारता है जिसकी आवाज जिन्नों और इंसानों के अलावा मशरक और मगरिब के दरमियान सारी मखलूक सुनती है। फिर वो मट्टी हो जाता है, फिर दोबारा उसमें रूह लौटाई जाती है और फिर दोबारा वो जिंदा होता है, फिर मारा जाता है, और यही अजाब उसको क़यामत तक होता रहेगा, अल्लाह ताला बचा के। कब्र में अजाब के अलावा नेमतें भी हैं, मोमिन को मौत के वक्त अल्लाह की रजामंदी और इज्जत मिलने की खुशखबरी दी जाती है, मोमिन के लिए कब्र रोशन और वसी हो जाती है, उस पर सब्जे से भर दी जाती है, यानी ग्रीनरी उसके ऊपर नजर आती है। नेक अमाल उसकी कब्र की तन्हाई को दूर कर देते हैं, यानी वैसे तो कब्र में अकेले होता है इंसान, लेकिन नेक अमाल जो हैं वो उसकी तन्हाई दूर कर देते हैं। वहां मुस्नद अहमद में आता है कब्र में मोमिन के पास एक खूबसूरत लिबास इंतहाई उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है, कहता है अबशिर बिल्लदी यसुरुका हादा यौमुकल्लदी कुंता तुअदु, उस चीज की खुशखबरी पाओ जो तुम्हें खुश करेगी, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा लिया जाता था। वो पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा ही खैर का पता देता है। वो कहता है अना अमलुका सालिह, मैं तुम्हारा नेक अमल हूं। इस पर वो कहता है रब क़यामत जल्दी कायम कर दे ताकि मैं अपने घर वालों और माल में वापस लौटूं। इससे भी पता चलता है ना कि अगर दुनिया में इंसान अकेले होने से घबराता नहीं है, अल्लाह के जिक्र में उसका दिल लग जाता है, अच्छी बातों में, कुछ सीखने में, कुछ सिखाने में, तो कब्र की तन्हाई भी फिर उसको नहीं काटेगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसने दुनिया में अपने लिए इनफ आमाल इकट्ठे कर लिए जो उसके साथ ही बने। फिर उसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोला जाता है, उसकी खुशी और सुरूर में इजाफा हो जाता है। फिर इसी तरह कुछ लोगों को रिस्क भी दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के गढ़े के किनारे एक मर्तबा बैठ गए एक अंसारी के जनाजे, कब्र खोदने वाले को तलकीन करने लगे सर की जानिब से खुला करो कब्र को और दोनों पांव की तरफ से भी इसको खुला कर दो, इसके लिए जन्नत में अंगूर के बहुत से खुश हैं। तो अमाल ही का बदला है। इसी तरह मोमिन को जब अपनी कब्र की कुशादगी को देखता है और सारी वो उसको तो इतना कुछ मिल गया, वहां बाग बन गया, उसकी कब्र बाग बन गई, तो वो कहता है मुझे छोड़ो मैं घर वालों को खुशखबरी सुना दूं कि मैं ठीक हूं बिल्कुल, लेकिन
उसे इजाजत नहीं मिलती और कहा जाता तुम आराम से यहाँ रहो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हकीकतें गैब में रखी, हमें नहीं पता इनकी हकीकत क्या है। और मोमिन को तो सुला दिया जाता है वहां, आराम करो दुनिया में बहुत काम कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में 70 गज फराकी कर दी जाती है, फिर उसके लिए उसमें रोशनी कर दी जाती है, फिर उसे कहा जाता है सो जाओ, तो वो कहता है मैं अपने घर वालों की तरफ लौट जाऊं ताकि मैं उन्हें खबर दूं। तो वो दोनों फरिश्ते कहते हैं उस दुल्हन की तरह सो जाओ जिसे कोई नहीं जगाता मगर वो जो उसको सबसे ज्यादा प्यारा होता है, यहाँ तक कि अल्लाह उसे उसकी ख्वाबगाह से उठाएगा, यानी अल्लाह ताला ही अब इसको उठाएगा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन बुरे इंसान जो हैं उनकी बहुत शामत आएगी और वो कोई फरियाद को नहीं पहुंचेगा जिनके पास नेक अमल ना हो। हत्ता कि जब इंसान का जनाजा जा रहा होता है ना, तो बुरा इंसान जो होता है उस वक्त भी रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे किधर लेके जा रहे हो, क्योंकि उसको पहले से बता दिया जाता है कि तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं है, हाय बर्बादी तुम इसे कहां ले जा रहे हो। और ये आवाज भी इंसान के अलावा बाकी मखलूक सुन रही होती है, अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए, बर्दाश्त ना कर सके। और बुरे इंसान के पास जो उसके अमाल हैं, बदसूरत गंदे आदमी के कपड़ों की तरह आता है, यानी बदसूरत इंसान और गंदे कपड़ों वाले के साथ। अब देखें कि अगर आपके साथ भी कोई बैठ जाए ना जिसने जो नहाया ना हो और या उसके कपड़े गंदे हो, या कोई किचन से निकल कर आया हो बगैर कपड़े चेंज किए, तो आप देखें कि या पसीने में हो कोई, कैसा दिल घबराता है, इंसान बैठ नहीं सकता वहां। तो ये कब्र में उसका साथी बन जाता है जो बुरे अमाल करने वाला है, झूठ गीबत चुगली फितना फसाद दूसरों को अजियत देना, ये सारी चीजें वहां पर उसके लिए अजियत का बायस बन जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो कि ये आयत पर इन्ना लहू मईशतन दनका वनहशरुहु यौमल क़ियामत आमा ये किसके बारे में नाजिल हुई, तुम्हें मालूम है कि तंग हाली क्या है। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया काफिर का उसकी कब्र में अजाब से दो चार होना है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है उस पर 99 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो कब्र में कीड़े मकौड़े और सांप भी होते हैं। कुछ लोग अजाब कब्र से महफूज रहेंगे, जैसे शहीद होने वाला, सूरत अल मुल्क पढ़ने वाला, पेट के मर्ज में फौत होने वाला, सरहदों की हिफाजत करने वाला, जुमा के दिन या रात को फौत होने वाला। जुमा की रात एक दिन पहले आती है जुमे से और मगरिब के साथ शुरू हो जाती है। तो इसके बरक्स अजाब कब्र पाने वाले जो हैं उसमें कुफर और निफाक वाले लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे पे सवार होकर बनू नजार के बाग में जा रहे थे। ज़ैद बिन साबित कहते हैं हम भी आपके साथ थे कि अचानक वो गधा बिदक गया, करीब था कि आपको नीचे गिरा दे, एकदम रस्सी तोड़ा के आगे भागा, देखा तो वहां 5-6 कब्रें थी। आपने फरमाया कि क्या इन कब्र वालों को कोई जानता है ये किसकी कब्रें थी यहाँ। एक आदमी ने कहा मैं जानता हूँ। आपने फरमाया ये लोग कब मरे हैं। उसने कहा ये लोग शिर्क की हालत में मरे हैं। आपने फरमाया इन लोगों को कब्रों में अजाब हो रहा है। फिर इसी तरह चुगलखोर और पेशाब की छींटों से ना बचने वाला, उसके लिए भी अजाब कब्र। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे, आपने फरमाया इन दोनों कब्रों को अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़ी बात पर नहीं। फिर आपने फरमाया क्यों नहीं, बड़ी ही बात है, इनमें से एक शख्स तो चुगलखोरी करता था और दूसरा पेशाब से बचने के लिए एहतियात नहीं करता था। आपने ये भी फरमाया कब्र का ज्यादातर अजाब पेशाब की वजह से होता है, बस तुम पेशाब की छींटों से बचा करो, यानी अपनी तहारत का एहतमाम किया। दूसरी चीज जो अजाब कब्र का बायस बनती है वो पेशाब की छींटे हैं। पेशाब की छींटों से बचना चाहिए और उसके लिए इस्तंजा भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ टिश्यू साफ करके उठ जाते हैं तो पेशाब जिस्म को लगा रह जाता है, तो वो काफी नहीं है। फिर इसी तरह गनी खयानत करने वाला जो है, यानी अल्लाह के माल में से कुछ चीज चुरा लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम था, मुदअम उसका नाम था। जब खैबर फतह हुआ तो बहुत से माल गनीमत आए, सोना चांदी और माल गनीमत में सोना चांदी नहीं था बल्कि बागात थे और गाय ऊंट और इस तरह की चीजें जो जरई जमीनें वगैरह थी। तो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस लौटे वादिल कुरा की तरफ, तो आपका गुलाम साथ था। तो उस दौरान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुजावा उतार रहा था वो, तो एक तीर आके उसको लगा। तो लोगों ने कहा शहादत मुबारक हो इसको। आपने फरमाया हरगिज नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर इसने खैबर के दिन तकसीम होने से पहले
مالِ غنیمت سے چرائی تھی وہ اس پہ آگ کا شعلہ بن کے بھڑک رہی ہے۔ یہ بات سن کے ایک آدمی دو تسمے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی آگ کا ایک یا دو تسمے بنتے ہیں۔ تو اللہ کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس میں سے کچھ چرانا نہیں چاہیے۔ پھر جھوٹ بولنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص کی باچ چیری جا رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی جھوٹا تھا۔ ایک جھوٹی بات کرتا، اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا، قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ پہلے زمانے میں تو یہ جھوٹ کونے کونے تک پہنچانا بڑا مشکل تھا، لیکن آج آپ ایک جھوٹی بات کر دیں، استغفر اللہ، اور وہ اس طرح پھیلتی ہے جنگل کی آگ کی۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر۔ باقاعدہ لوگ ویڈیو بنانے بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹی خبریں۔ کل میرا ایک پروگرام تھا ریڈیو اسٹیشن پر، تو ان سے میری بعد میں بات چیت ہو رہی تھی، تو میں ان سے ایسی اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ خبریں کہاں سے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے واشنگٹن پوسٹ کی سبسکرپشن لی ہوئی ہے فلاں فلاں جگہ کی، لیکن ہم فلاں کنٹری سے کوئی خبر نہیں لیتے کیونکہ وہاں پر اکثر خبریں فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتی ہیں۔ ایک جھوٹ عام ون آن ون کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک جھوٹ پوری قوم کے ساتھ بولنا اور پھر اس کا خبروں میں اخباروں میں چھپ جانا اور بندے بندے کا پڑھنا یا ٹیلی ویژن پہ نشر ہونا، پھر اسی طرح بے جا باتیں کرنے والا۔ فرمایا جب کوئی مرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والا کھڑا ہو اور کہے کہ اے میرے پہاڑ یا وا جبلا، یعنی ان کا طریقہ تھا کسی کو بڑا بنانے کا نا، جیسے کہتے ہیں آئرن وومن، اور یعنی پہاڑ جیسا حوصلہ، اور پران اے میرے سردار، یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ اس کے بارے میں کہے میت کے بارے میں، تو میت پر دو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پہ گھونسے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم ایسے ہی تھے۔ جھوٹی تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ میت کے بارے میں اچھی تعریف کرو تاکہ اس کو گواہی اچھی ہو، تو جھوٹی بھی نہ کرو، جو وہ نہیں ہے وہ بھی نہ کرو، کیونکہ اس کو ثواب نہیں ملنا، الٹا اس کو سزا ملنی ہے۔ پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کے بعد مرتد ہونے والا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر مسلمان ہو گیا، اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا، پھر مرتد ہو کر دوبارہ عیسائی بن گیا، کہنے لگا جو کچھ میں نے لکھ کے دیا ہے وہ میں نے لکھا ہے، اس کے سوا محمد کو کچھ بھی معلوم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اس کو موت دے دی، لوگوں نے اسے دفن کیا، صبح ہوئی تو وہ زمین سے باہر پھینکا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام ہے، یعنی کیونکہ ان کا دین چھوڑا تھا اس لیے۔ انہوں نے پھر دوبارہ اس کو دفن کیا، اس زیادہ گہری قبر کھودی، صبح ہوئی تو پھر وہ باہر تھا۔ پھر تیسری دفعہ پھر ایسے ہی کیا۔ اب یہ کہ اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ زمین اس کو نہیں پناہ دے رہی۔ اب قبر کے عذاب کے علاوہ فتنہ دجال جو ہے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جو زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے درمیانی وقفے میں دجال سے زیادہ کوئی بڑا فتنہ، کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا، ہر نبی نے دجال سے ڈرایا۔ پھر یہ کہ جب دجال آ جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا، یعنی آپ کی امت اس وقت ہوگی دنیا میں جب دجال سامنے آئے گا۔ مکہ اور مدینہ کے سوا پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیل جائے گا۔ دجال دانی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، گھنے بالوں والا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ وہ دن بڑے سخت دن ہوں گے جب دجال آئے گا۔ حضرت عائشہ کہتی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے موقع پر پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اے عائشہ اس زمانے میں اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے۔ میں نے پوچھا ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جو فرشتوں کا ہوتا ہے، تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں نے پوچھا ان دنوں کون سا مال بہتر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے، رہا کھانا تو وہ تو ہوگا ہی نہیں، یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی۔
اللہ تعالیٰ بچائے, اس فتنے سے محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا, اس کے سر کے پچھلے حصے میں شکنیں بنی ہوئی ہوں گی گھنگرالے بالوں کی وجہ سے. آپ نے یہ تین بار فرمایا پہچان کرانے کے لیے کہ امت پہچان جائے اور اس کی باتوں میں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, دجال جس وقت خروج کرے گا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی, جو چیز لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا, جو پانی نظر آئے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی, یعنی چیزوں کی شکل بدل جائے گی. تم میں سے جو شخص اسے پائے اسے چاہیے کہ آگ دینے والی چیز میں غوطہ لگائے کیونکہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوگی, اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. یعنی اصل فتنہ کیا ہے کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو جو شخص یہ کہہ دے لستا ربنا, تم نہیں ہو ہمارے رب, لیکن ربنا اللہ, لیکن ہمارے لیکن ربنا اللہ, ہمارا رب تو اللہ ہے, علیہ توکلنا, اس پر ہم نے توکل کیا, و الیہ انبنا, اسی کی طرف ہم نے رجوع کیا, نعوذ باللہ من شر, ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں. یعنی جرات چاہیے ہوگی اس کو رد کرنے کے لیے. اس سلسلے میں جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات من فتنة المحیا و فتنة الممات, اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا, جہاں ربی جل نہیں پڑھتے نا اس ٹائم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ کر فارغ ہو, اتحیات پڑھ لیا, دروشی پڑھ لیا, تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے, جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, زندگی اور موت کے فتنے سے, اور مسیح الدجال کے شر سے. یہ پناہ مانگنا نماز کا حصہ ہے ایک طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں, اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی, نماز انکمپلیٹ رہتی ہے. پھر ایک اور دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فتنة الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے. صحابہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے. ایک اور دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار و عذاب النار و فتنة القبر و عذاب القبر و من شر فتنة الغنا و من شر فتنة الفقر و اعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ, بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے, قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے, اور غنا کی شر اور غنا یعنی امیر ہونے کی آزمائش کے شر سے, اور فقر کی آزمائش کی شر سے. یعنی دونوں ایکسٹریم پر ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جھوٹے مسیح کے فتنے کی برائی سے, یعنی مسیح الدجال کے فتنے سے. ایک اور دعا ہے, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. اے اللہ, جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب, میں تیری پناہ لیتا ہوں آگ کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے, اللہم انی اعوذ بک من الکسل والہرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. اے اللہ, یقیناً میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی سے بچنے کے لیے, بہت زیادہ بڑھاپے سے, گناہ سے, قرض سے, قبر کی آزمائش سے, قبر کے عذاب سے, اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے. پھر ہے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ, بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور قبر کے عذاب سے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.